सनराइज इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी गाइस मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो अगर आपको मैथ्स कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो जी गाइस आइए हम आज की क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक ट्रिगनोमेट्रिकली स्टेटमेंट है, पहले उस स्टेटमेंट को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड देन उसकी स्केच ड्रा करेंगे, मीन्स डायग्राम ड्रा करेंगे ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, सो देखिए फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मीन्स यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मीन्स एंगल कैलकुलेट करनी है, एंगल फाइंड करनी है, किसकी, एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू -3.1 एंड 4.3 फ्रॉम द लाइन, है ना। एक लाइन है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, एंगल इस लाइन से स्टार्ट होगी टू द लाइन, दूसरी लाइन पे लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, सही है। अब मतलब दो लाइन से दोनों लाइन के एंड पॉइंट दे रहा है, तो दोनों लाइन जो ड्रा करेंगे हम तो ऐसे ड्रा करेंगे ताकि उनके बीच में कोई एंगल हमें दिखाई दे, एंगल मिले। सो देखिए सॉल्यूशन, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, नाम दे रहा हूं एम वन, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट एंड पॉइंट ए -3.1, सेकेंड एंड पॉइंट इज बी 4.3। अब टू द लाइन, दूसरी लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, इसका नाम दे रहे हैं एल टू, सेकेंड लाइन इज एल टू है, ये पॉइंट पास हो रही है लाइन सी 1.-2, सेकेंड एंड पॉइंट इज डी जेड दैट इज 6.7, सही है। तो देखिए एंगल कैसे कैलकुलेट करें, तो कह रहा है एंगल फाइंड करें फ्रॉम द लाइन थ्रू, जो लाइन 3-3.1 सेकंड पॉइंट 4.3 लाइन से पास हो रही है, फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से स्टार्ट करें टू द लाइन दैट हैव पास थ्रू 1-2 एंड 6.7, सही है। तो ये मैं चीज आपको समझा है, एंगल ड्रा तो करनी है, एंगल ड्रा देखिए ये एरो ड्रा किया है, एंगल ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, तो इसलिए एल1 लाइन से एल2 लाइन पे एरो ड्रा किया है, सही है। बट ये क्या कर रहा है, एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू द लाइन, फ्रॉम लाइन एल1 टू लाइन एल2 दैट एंगल थीटा क्वेश्चन मार्क, सही है। जी है डायग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की स्केच ड्रा किए जो आपके सामने। अब ये डायग्राम ड्रा की क्वेश्चन समझ में आ गया तो मीन सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल। अब देखिए सॉल्यूशन सिंपल है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला है एज वी नो, वो फार्मूला क्या है, ये लाइन M1 है, लाइन का पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को डेजिग्नेट करते हैं M1 से, लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप है M2 हम लिखते हैं, ठीक। तो अब दो लाइंस हैं, लाइन की एंड पॉइंट्स भी गिवन है, तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, एंगल कैलकुलेट करनी है तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अबे अब मेन चीज ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लाइन एंगल L1 टू L2 एरो किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, एरो स्टार्ट L1 से हो रहा है, इंटरसेक्ट L2 से कर रहा है, तो जिस लाइन को एरो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका स्लोप है M2, तो यहां पर कर लेंगे M2 -M1, एरो लाइन L1 से स्टार्ट हो रहा है, L1 से स्टार्ट हो रहा है, उस लाइन का स्लोप जो है वो माइनस करेंगे जिस पॉइंट को एरो हिट कर रहा है, तो उसमें से M2 -M1 divided by 1 plus M1 multiplied by M2, ये है स्लोप एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला, यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ये फार्मूला यूज करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए, सही है। अब देखिए फार्मूला पहले लिखा है, अब इस फार्मूला में
M1 है, M2 दो टर्म है जो फाइंड आउट करने हैं, वो है क्या? तो यहां पर कहेंगे लेट्स सपोज M1 जो है बी ए स्लोप ऑफ L1 ठीक, एंड M2 बी ए स्लोप ऑफ लाइन L2 सही है, स्लोप असल दिया। सो अब स्लोप जो है इनको फाइंड करेंगे। नाउ यू फाइंड M1 एंड M2 बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये है स्लोप फॉर्मूला। अब देखिए स्लोप फॉर्मूला में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में स्लोप जो फाइंड करेंगे वो स्लोप एक लाइन सेगमेंट का लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट से हमारे पास मौजूद है, ठीक है, राइट पॉइंट्स मौजूद है। तो हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे फास्ट स्लोप M1 के लिए। अब स्लोप M1 फाइंड करने जा रहे हैं, तो M1 स्लोप फाइंड करना है, तो देखिए M1 स्लोप किस लाइन सेगमेंट का है एंड उस लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट कौन सी है। M1 इज द स्लोप ऑफ L1 लिखा, तो L1 लाइन जो ये है उनकी एंड पॉइंट्स A एंड B है, तो दोनों को लिखेंगे पहले A मींस -3 1 सेकंड एंड पॉइंट B 4 3 ठीक। अब ये फर्स्ट पॉइंट मींस के कोऑर्डिनेट्स के लेफ्ट असाइन करेंगे x1 y1, सेकंड एंड पॉइंट B के लेफ्ट असाइन करेंगे x2 y2। सो x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू 3 सही है। और वैल्यू जो लिखी है ताकि फॉर्मूला में इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को। सो नाउ M1 स्लोप इक्वल टू, पहले M1 कैलकुलेट करें, तो y2 की वैल्यू यहां पर 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 तो x1 की वैल्यू -3 है, -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे सही है। जस्ट ये वैल्यू x1 y1 x2 y2 है, इनको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, अब सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ब्रैकेट आजाद हो जाए, ब्रैकेट रिमूव हो जाए, तो माइनस टू माइनस प्लस 3। तो स्लोप M1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 करके हो जाएगा 7। तो ये M1 स्लोप की वैल्यू मिली सही है। अब क्या करेंगे, M1 तो मिल गया, सो M2 भी फाइंड करेंगे सिमिलरली सेम वे। सो सिमिलरली फॉर स्लोप M2 M2 स्लोप कैलकुलेट करना है, तो M2 स्लोप किस लाइन सेगमेंट का है, यहां पर हमने लिखा है M2 ये स्लोप ऑफ लाइन L2, तो L2 लाइन ये है ठीक। L2 लाइन की एंड पॉइंट्स कौन सी हैं, C एंड D, तो इन लाइन को पहले लिखेंगे C1 -2 एंड D के कोऑर्डिनेट्स 6 7 सही। सी द फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, डी इज द सेकंड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स x2 y2 नेम असाइन करेंगे, x1 इज 1 y1 इज -2 सेकंड पॉइंट डी दैट x2 एंड y2 6 7 वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप फार्मूला में, स्लोप मिलेगा m2 स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 सो 7 ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाय माइनस इनटू माइनस करेंगे ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए, -2 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 मींस 5। सो m2
स्लोप इक्वल टू 7 प्लस करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गई वैल्यू स्लोप m2। सही है, ठीक। तो स्लोप कैलकुलेट किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला पहले इसी ने लिखा था कि एंगल फाइंड करनी है, तो एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला में एंगल के फॉर्मूला में स्लोप यूज थे, इन्वॉल्व थे, तो नाइन के स्लोप असाइन किए, वो स्लोप की वैल्यूज फाइंड की, ताकि फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें एंड एंगल की वैल्यू मिले। तो अब ये दोनों स्लोप को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। सो अब देखें ये क्वेश्चन वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी गेट, क्योंकि इक्वेशन वन सॉल्व करनी है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। सही है, सिंपली इक्वेशन वन जो उसको लिखा, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम m1 m2 की। सो देखें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ m2 वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस m1 की वैल्यू 2/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, m1 की वैल्यू 2/7 मल्टीप्लाई 9/5 वैल्यू ऑफ m2। तो ये है वैल्यूज, जस्ट m1 m2 की सब्स्टिट्यूट की हमने। अब क्या करेंगे, कहते हैं कि न्यूमरेटर में दो टर्म माइनस हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन में टर्म है माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, तो इनकी लेंगे एलसीएम। एलसीएम से डिनोमिनेटर की होगी, एक टर्म का डिनोमिनेटर 5, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 7। बोथ आर द डिफरेंट नंबर्स, बोथ आर द प्राइम नंबर्स, 5 एंड 7 है, तो जो एलसीएम होगी, तो सिंपली डायरेक्ट 5 एंड 7 की एलसीएम, अगर डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेंगे इस टाइप से, 5 को डिवाइड करेंगे 5/5, 7 को 5/2 नहीं लग सकता। अब 7 को 7 को ही टेबल लग सकता है 1 टाइम। अब ये दो जो फैक्टर्स मिले हैं 5 एंड 7, दोनों को आपस में करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 35 एलसीएम। अब देखिए ये 9 के अकाउंट में 5 है, तो 5 को डिवाइड करें 35 से, इसके डिनोमिनेटर 5 है, 5 को जो एलसीएम है 35 उससे डिवाइड करेंगे, तो 5 को डिवाइड करेंगे किस टेबल लग रहा है 5 7 35, तो जित 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम डिवाइड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर के साथ -2 के अपान में 7। अब क्या करेंगे 2 के अपान में जो 7 है, 7 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 का टेबल 35 को 5 टाइम लग रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमेरेटर के साथ। सही है, अब देखिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 टू 9 इज 18 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 7 5 35। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 7 9 7 इज 63 माइनस 2 5 10 डिवाइडेड बाय 35 होल अपान में। अब 1 प्लस 18 अपान 35, अगेन फ्रैक्शन में टर्म में एलसीएम ली जाएगी, तो 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो मींस 1, एक टर्म का डिनोमिनेटर 1, सेकंड का डिनोमिनेटर 35, तो एलसीएम होगी 35, 1 है फर्स्ट टर्म, तो 1 मल्टीप्लाई 35 करेंगे, क्योंकि इसके अपान में कुछ भी नहीं है, 1 मींस नथिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, तो एलसीएम जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ प्लस 18 के सेकंड टर्म का न्यूमरेटर 18 के अपान में जो टर्म है 7 एक्जेक्टली वही एलसीएम में मौजूद है, तो मींस 18 7 रहेगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 63 में 10 माइनस करेंगे 53 डिवाइडेड बाय 35 होल अपान में 1 मल्टीप्लाई 35 35 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 35। ठीक, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 53 डिवाइडेड
18/35 अपान में 35 में 18 प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे ये भी हो जाएगा 53/35 है ठीक। अब देखिए न्यूमरेटर में जो टर्म है वो फ्रैक्शन में मौजूद है मींस 53/35 इसके जो डिवाइड हो रहा है टर्म वो भी कुछ फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे 35/53 कम सारा रेसिप्रोकल हो गया तो 35/35 में कैंसिल 53/53 में कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर जो बचा है थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 सारा टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड में थे रेसिप्रोकल कन्वर्ट किया तो टर्म हो गया कैंसिल। तो अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आप उठाएं उसे कैलकुलेट करें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या मिलेगा। सो सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 45 डिग्री। ये है फाइनली सॉल्यूशन एंगल बिटवीन लाइंस दिस लाइंस गिवन कंडीशन के हिसाब से ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल था टिपिकल नहीं है जस्ट एंगल अगर दो लाइंस के बीच में फाइंड करनी है तो एंगल का फॉर्मूला आपको जहन में होना चाहिए। एंड दूसरी बात ये जो वर्डिंग को समझें लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम L1 टू L2 तो एरो की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से फॉर्मूला आप यूज करेंगे ठीक है। बाकी सिंपल है रेशो कैलकुलेट किया है रेशो के बाद फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड सॉल्यूशन एंगल थीटा जी गाइस। सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा सिंपल है कोई टिपिकल नहीं है प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए इजीली ठीक है। अल्लाह हाफिज़।